माय गॉड, ये गारा लग रहा है चौकोस, कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। ये है मेरी ब्लैक रोटी, ये बिल्कुल ब्लैक केक नॉर्मल है, कुछ भी चेंज नहीं है, नॉर्मल जैसा पानी होता है वैसे ही। मुझे देख के बोलेगा भाई ये तो बॉडीगार्ड जा रही है। तो भैया ने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे कोई ब्लैक पिज्जा नहीं मिलता है। स्पेशल मैंने ब्लैक करा है। आटा से कुछ अच्छा काम हो जाए वो कभी ऐसा हो नहीं सकता। Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel, अपना family vlog sir, मैं हूँ इकरा। सो कैसे हैं आप सब? So yes guys, आज finally मैं लेके आ चुकी हूँ मजेदार अटपटा और चटपटा सा चैलेंज। Oh my god! तो मैं इस चैलेंज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप सबको पता है कि मुझे ब्लैक कलर कितना पसंद है। नहीं, आई लव ब्लैक कलर, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं, और मैं ब्लैक आउटफिट भी बहुत वेयर करती हूँ। सो आज मैंने सोचा क्यों ना यार, मैं जब ब्लैक पहनती हूँ तो ब्लैक को खाया भी तो जाए ना। सो फाइनली आज मैं करने वाली हूँ 24 आवर्स ईटिंग ओनली ब्लैक फूड। मैं आज बिल्कुल काला काला खाना खाने वाली हूँ और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे मैंने ब्लैक कलर मंगाया हुआ है फूड कलर की, हाँ मैं कुछ बनाऊं तो मैं उसको उसमें डाल के बना सकूं। और अपनी साइड से मैं पूरा बेस्ट करने की कोशिश करने वाली इस चैलेंज में। सो अभी ना हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे और अपने ब्रेकफास्ट की ओर चलेंगे, क्योंकि मुझे उसके बाद कहीं पे जाना है, मेरा बैंक का इश्यू चल रहा है तो वो मुझे पूरा करना है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। और गाइस कमेंट में मुझे भर भर के ब्लैक हार्ट सेंड करना। ओके सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टिंग। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ये चौकोस बनाने के लिए। टेंशन मतलब ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, आप लोग बोलोगे ये तो ब्राउन होता है, बट ये पूरा मैं ब्लैक करूंगी अपना जुगाड़ लगा के। सो देखते रहना आप सब मैं कैसे करने वाली हूँ, ठीक है? अल्लाह ये पूरा काला हो गया, कितना गंदा लग रहा है दूध। सो यस गाइस फाइनली मेरे ब्लैक चौकोस रेडी है। ये गारा लग रहा है चौकोस, कहीं से भी नहीं लग रहे हैं। दिल कर रहा है इसे बस मैं अभी यही छोड़ दूँ, देख के भी मुझे डर लग रहा है ये कैसा। इसके अंदर मैंने शुगर नहीं डाली, आप सबको पता है मुझे मीठा पसंद नहीं है, चौकोस खुद ही इतना मीठा होता है कि बस मुझे मीठा नहीं बनना। फटाफट से इसको खा के चलते हैं बैंक और मुझे जल्दी से अपना ये बैंक का इशू मम करना है, फिर मेरी यूट्यूब पेमेंट भी तो आनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो चलो पहले मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट चेंज तो नहीं हुआ है, क्या पता फूड कलर डालते ही चेंज हो गया, तो टेस्ट करके देखते एक बार। बिस्मिल्लाह, नहीं 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 चेंज नहीं हुआ, वैसे ही है जैसे नॉर्मल अपना मिल्क होता है ना वैसे ही है। फर्स्टली मैं बताऊँ इन्नू ने ही मेरे इयररिंग्स चूज किए हैं, मेरा लिपस्टिक, उसने कहा आटा रेड लिपटिप लगाना तो मैंने रेड वाली लिपस्टिक लगाई है, इयररिंग्स पहने हैं। सो यस बताना ये मेरे इन्नू ने डिसाइड किया था कि आज मैं कैसे रेडी हूँ। सो चलो इसको ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से खाते हैं। फाइनली ये मैं इसको भर चुका हूँ, पूरा खम्पन कर लिया है मैंने, ये बल्ले बल्ले शावा शावा, क्योंकि इसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ था। अगर इसका टेस्ट चेंज हो जाता ना पक्का 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 मैं इसे नहीं खा पाता। सो अभी ना मैं जा रहा हूँ बैंक, ठीक है मेरा टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना, और मैं आप सबको ना फटाफट से मिलूंगी अपने लंच टाइम पे। कोशिश करूंगी कि मैं घर आने की, वैसे मैंने अम्मी जी से बोल दिया है कि मैं घर आऊँ तो अपना मैंने फूड कलर दे दिया, ये डाल के कुछ भी बना देना, जो भी खाना बना रही हो ना वो बना देना इसके लिए, बस मैं ब्लैक कलर डाल के ही बना देना, माँ जान हमारी है क्योंकि ब्लैक फूड है। अगर मैं लंच पे आने में लेट हो जाती हूँ तो मैं बाहर ही खा लूंगी, वो मैं आपको बाहर दिखा दूंगी, मैं शूट करूंगी, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं शूट करूंगी, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं लंच घर पे आके ही करूंगी। आप सबको पता है बैंक में धक्के खाओ तो कितना टाइम लगता है, बैंक में तो लोग हमें धक्के ही लगवाते हैं। सो चलो मैं आप सबको अपने लंच टाइम में मिलूंगी, बाय बाय। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और मुझे बहुत घंटे लग गए यार वहाँ पे, पता है मेरे लंच का टाइम भी वहाँ निकल चुका था, मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया है। अब मैं घर पे आई हूँ तो अम्मी जी से मैंने खाना गर्म करवाया है कि खाना गर्म कर दो जल्दी से,
और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सो चलो अम्मी जी खाना लेके आ रही हैं। अब मैं आपको सबको अब पहले अपना ये ब्लैक फूड दिखाती हूँ कि कैसा बना है। सो गाइज ये है मेरी ब्लैक रोटी, आप देख सकते हो कितनी अजीब सी लग रही है। और ये है कोफ्ता, मुस्लिम को तो पता है कोफ्ते क्या होते हैं, बट मैं बता दूँ ये नॉन वेज है। ये बिल्कुल ब्लैक एकदम यार, नॉनवेज पूरे ब्लैक है, देखो दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन सा कैमरे पर लग रहा है, ये ग्रीन नहीं है पूरा ब्लैक है। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं खाने वाली हूँ, लिटरली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये खाने जा रही हूँ। नॉर्मल वाटर के अंदर ब्लैक कलर डाल के इसको ब्लैक कलर वाला जो वाटर आता है ब्लैक वाटर बना दिया। मैं तो इतने 200-300 रुपए वेस्ट भी ना करूँ अपना ब्लैक वाटर लेने के लिए, जुगाड़ है मेरे पास। जब इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा कलर का तो फायदा है ना मेरा, तो मैं तो ऐसे पी लूंगी। पहले मैं पानी इसको टेस्ट करके देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही प्यास लग रही है। नॉर्मल है, कुछ भी चेंज नहीं है, नॉर्मल जैसा पानी होता है वैसी है। चलो खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे ये चैलेंज ना करने में बहुत मजा आ रहा है, बस आज ना मेरी हालत खराब हो गई, मेरे ना बैक में इतना ज्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। वहाँ खड़े खड़े लाइन में मेरी धज्जियाँ उड़ गई है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे लाइन में खड़े होने में। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह। अम्मी के हाथों में ना जादू है। फाइनली मेरा लंच कंप्लीट हो चुका है यार, बहुत ही टेस्टी लंच हो गया आज तो, बहुत ही टेस्टी। अम्मी जी ने कोफ्ते बना रखे थे, आए है पेट भर गया। माँ के हाथ में सच में जादू होता है, जादू होता है। हमारे घर में भाभी के हाथ में भी जादू है, जादू है। चलिए गाइस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए आराम करने के लिए, अपने कमर को थोड़ा आराम देने के लिए, वरना ये मुझे गाली देगी कि यार तू आराम तो खुद करती नहीं है, मुझे भी नहीं करने देती। सो चलो अभी ना मैं आपको मिलूंगी अपने स्नैक्स टाइम पे, अभी हम लोग जाएंगे बाहर। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ स्नैक्स टाइम पे, कुछ छोटा छोटा सा खाने के लिए, कुछ टेस्टी सा, वो भी ब्लैक ब्लैक ही। और देख सकते हो मुझे आप सब यहाँ पे, मैं पूरी ब्लैक ब्लैक हो चुकी हूँ, अंदर बाहर सब मैंने ब्लैक ही पहना हुआ है। कोई मुझे देख के बोलेगा भाई ये तो बॉडीगार्ड जा रही है। तो हम लोग यहाँ आए थे पेस्ट्री लेने के लिए ब्लैक कलर में, और हम यहाँ पे पिज्जा की बात करने भी आए थे, यहाँ पिज्जा भी मिलता है। तो हमने भैया से बात की थी, हमने बोला था कि भैया हमें ना ब्लैक कलर का पिज्जा चाहिए, अगर आप उसमें फूड कलर वगैरह मिक्स करके दे दो हम दे देंगे आपको फूड कलर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। सो भैया ने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे कोई ब्लैक पिज्जा नहीं मिलता है, आई एम सॉरी मैम। तो हमने दिल तोड़ते हुए बाहर आ ही गए, तो हमने ले लिया है। हाँ कुछ खाने वाला तो था नहीं, तो हमने पैक करवा लिया है और अब चलते हैं कुछ और खाने के लिए। बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को, बहुत देर हो चुकी है ना, और सोने को कहा था, सोने को मिला ही नहीं मुझे। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, और देखो इसके अलावा ना मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे ना वहाँ पे कोई आइसक्रीम वाला नहीं दिख रहा है, कुछ वैसे खाने वाला नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा मोमोज ले लेती हूँ तो उसको मैं जुगाड़ कर लूँगी, पर वो भी नहीं हो पाता, पूरे मोमोज खराब हो जाते, मेरे पैसे वेस्ट जाते हैं। यार ये ब्लैक कलर चूज़ करके मैंने गलती कर दी क्या, ब्लैक में कुछ मिलता ही नहीं है यार, इतना गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले चलो मैं इसको ये खाती हूँ, इसको खा के पहले अपनी पेट पूजा करती हूँ। फाइनली ख़त्म हुआ, और इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ खाने की नीड नहीं है, बहुत ही मीठा मीठा हो गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सही करा मैंने, कुछ और मुझे मिला नहीं। अगर कुछ मुझे मिल जाता तो मैं तो सच में भर के लेके आ जाता, क्योंकि मैं अपनी जेब भर के लेके गया था, अच्छा हुआ नहीं मिला। शादी के लेके आया थम्स अप पीने के लिए, कुछ मिल नहीं रहा था तो मेरा सच में अब भी दिल नहीं था, पर कोई नहीं ये लेके आ गया। फिर वरना मुझे प्यास भी लगने लगी थी, मीठा मीठा होने लगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा पानी में कलर डालो तब करो, तो वो ये लेके आ गया। चलो अपनी प्यास बुझाते हैं थम्स अप से, एक थम्स अप जरूर दे देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना तभी तो थम्स अप मिलेगा। ये मीठी क्यों नहीं लग रही है ये? और पता है जब मैं पेस्ट्री लेने गया था ना, वहाँ मुझे सब ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि मतलब ये कर क्या रही है, और ये पूरी एलियंस ही क्यों लग रही है, सब कुछ पूरा ब्लैक ही ब्लैक है।
बस अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं पी जाएगी। सो चलो मैं आप सबको मिलूंगी डिनर टाइम पे। ओके सो गाइस, मेरे डिनर का टाइम हो चुका है और मेरा डिनर भी मेरे पास ही रखा हुआ है। सो डिनर में मैं पहले आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। आज है ये ब्लैक वाले जो चने होते हैं, मतलब ये ब्लैक चने नहीं होते, स्पेशल मैंने ब्लैक करा है। और ये है कोफ्ते जो मैंने ब्लैक किए हैं, एंड ये है कटहल की सब्जी जो ये मैंने ब्लैक की है, और ये मेरी दोपहर की एक रोटी रखी हुई है जो मैं अब खाने जा रही हूँ। सो चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से हम अपना खाना खाएंगे। मुझे ना इसे देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि आप सबको पता है शाम में मेरा खाना बहुत कम हुआ था, और आप सबको पता है मैं कितना खाती भी हूँ। सो चलो फटाफट से खाते हैं। फाइनली मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। देखो सब कुछ बच गया, आटा से कुछ अच्छा काम हो जाए या उससे खाना ना बचे वो कभी ऐसा हो नहीं सकता। सो पहले मैं इसे साइड में रखती हूँ, फिर बात करती हूँ इस चैलेंज के बारे में। ज़रा आप मेरे क्लोज आ जाओ, बहुत हो गया दूर दूर का सामना। वैसे पीछे ये पेस्ट्री रखी है जो मैं लेके आया था, इनायत खा रही थी। सो गाइस, बहुत मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो में, लिटरली ब्लैक ब्लैक खाना। मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है ना, हमें ना मतलब सबके अंदर ही आदत होती है खाना हो तो, एक तो उसकी खुशबू, ठीक है, दूसरा हो जब हम उसे देखते हैं वो देखने में कैसा लग रहा है, देखने से ही हमारा दिल करता है यार बहुत टेस्टी खा लो। पर जब थोड़ा सा ऐसा होता है ना उसकी, तो दिल कहता है यार नहीं खाया जाएगा। तो ब्लैक ब्लैक देख के ऐसा नहीं मैंने नहीं खाया, मुझे अच्छा मुँह में पानी नहीं आया, आया मैंने देखा, पर अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाएगा। कलर ही बता रहा है, कलर है बहुत प्यारा, पहनने में बहुत सुंदर लगता है, पर ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सो यस गाइस, चलो मैं बस इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। मुझे कमेंट में आप सब जरूर बताना कि मैंने इस चैलेंज को पास किया या फेल किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट चैलेंज क्या देखना चाहते हो, क्या कलर, कौन से कलर का चैलेंज देखना चाहते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताना, ठीक है। और आई होप आप सबको ये चैलेंज बहुत पसंद आया हो, ये वीडियो बहुत मज़ेदार लगी हो आप सबको। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जरूर चेक करिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट चैलेंज वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।